लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ट्वीट पर योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को गन्ना किसानों के भुगतान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सपा सरकार में 4 सालों तक गन्ना किसानों का भुगतान ही नहीं किया गया और इसी के चलते अखिलेश सरकार के समय कई गन्ना किसानों ने आत्महत्या भी की। मंत्री जी ने भी दावा किया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही सबसे पहले गन्ना किसानों के त्वरित भुगतान के निर्देश दिए गए थे। विपक्षी दलों के गठबंधन के सवाल पर उनका यह कहना था कि देश की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के विकास कार्यों से घबरा कर तात्कालिक गठबंधन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन विकास की राजनीति की उम्र लंबी होती है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ खड़ी है। यादव जी को गन्ना भुगतान पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो लगातार 4-4 वर्षों तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ और उसका परिणाम था कि गन्ना किसान ने आत्महत्याएं की। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कि जैसे ही 17 में हमारी सरकार बनी तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने त्वरित भुगतान के निर्देश दिए और उसी का परिणाम था कि 3 से 4 साल का जो बकाया था समाजवादी पार्टी सरकार के समय का, उनके समय का ही लगभग 4,500 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया भुगतान योगी सरकार ने किया। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इनके विकास कार्यों से घबरा करके जिस प्रकार एक तत्कालिक गठबंधन करने का प्रयास हुआ था, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि विकास की उम्र लंबी होती है, विकास की राजनीति लंबी चलती है और आज देश में भी उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता विकास के साथ खड़ी हुई है। आप मंत्री जी की बात अभी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को गन्ने पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके कार्यकाल में गन्ना किसानों का बहुत कम भुगतान हुआ या नहीं के बराबर हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जो महागठबंधन का जिक्र है वो घबरा कर है, महागठबंधन की संकल्पना ही घबरा कर की जा रही है। आपको बताएं कि इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि भाजपा सरकार गन्ना बकाया न चुकाने से जिस तरह गन्ना किसानों का विरोध झेल रही है उस आग में अब मुख्यमंत्री जी ने ये कहकर घी डाल दिया है कि गन्ना न उगाएं, इससे डायबिटीज होता है। इससे अच्छा वो एक सलाह अपने मतदान समर्थकों को दें कि वो समाज में हिंसा और नफरत की कड़वाहट न भूलें। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे बाराबंकी संवाददाता इस वक्त आप फोन लाइन पर हैं। अनिरुद्ध, हमने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का संदर्भ अपने दर्शकों को बताया और वर्तमान जो मंत्री हैं उनका जो आज का बयान है वो भी सुनवाया। इस बीच में बाराबंकी में ऐसा क्या हुआ जिससे इस प्रकार के बयान की संकल्पना बनी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से घेरने की कोशिश करी गन्ना किसानों को लेकर के, उससे एक तरीके से जिले में एकदम से सियासत एक बार फिर से बिल्कुल उछाल पर है। आज खुद सुरेश राणा जो थे वो यहाँ से गुजरे थे और उनसे जब बातचीत हम लोगों ने करी तो उन्होंने का साफ तौर से कहना था कि गन्ना किसानों को लेकर के जो एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो सियासत में एक बार फिर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए साफ तौर से एक मैसेज ये दिया सुरेश राणा ने कि गन्ना किसानों को लेकर के जितना भुगतान योगी सरकार ने किया है उतना अखिलेश सरकार में नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, पिछले 15 सालों में आज तक ना किसानों को लेकर के या किसानों को लेकर के पिछली सरकारों ने नहीं इतना काम किया जितना योगी सरकार ने काम किया। तो सीधी तौर से जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था उसका खंडन करते हुए आज सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।